हूँ। इसमें आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, इसे बच्चे भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 खीरे, आप इन्हें अच्छे से धो के छील लीजिए और ऐसे पतले पतले टुकड़ों में काट लीजिए। ये 2 टमाटर लिए हैं मैंने, इन्हें भी धो के अच्छे से, आप ऐसे चाहे तो इसका गूदा आप निकाल सकते हो, लेकिन मैंने निकाला नहीं है। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 हरी मिर्च है, और आप इन्हें काट के धो के अच्छे से इस तरह से पतले पतले चॉप कर सकते हो। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन कटे हुए हर बाइट में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 कटोरी दही ली है। इसको आप एक मिक्सिंग बाउल में ऐसे निकाल लीजिए। ये बहुत ही सरल और सिंपल, इसे कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं, इसमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने दही इसमें डाल के और इसे अच्छे से ऐसे 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 आप फेंट लीजिए, इसे आप अच्छे से ऐसे फेंट लीजिए। और इसके लिए ये काला नमक, ये सफ़ेद नमक और ये भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, और आप इसमें पिसा हुआ मिंट या मिंट ऐसे क्रश करके डाल सकते हैं। अब आप इसे अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद ये सब्जियाँ आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सारी जो बारीक कटी हुई खीरा, टमाटर और प्याज था, आप आलू भी इसमें बॉयल्ड आलू छील के पील करके और उसे बारीक टुकड़ों में डाल सकते हैं। ये करके अच्छे से आप इन्हें मिक्स कर दीजिए। ये 1 चम्मच सफ़ेद नमक है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा करिए। किसी भी रायते में काला नमक डाल के उसका स्वाद बढ़ जाता है। ये आप इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके, धब्बा हरी धनिया भी बारीक बारीक काट के आप इसमें डाल सकते हैं। अब आप इसे, ये आपका बन गया, अब आप इसे सर्विंग बाउल में डाल के ऐसे डाल दीजिए। इसमें आपने नहीं, बच्चे आराम से बना सकते हैं। ये भुना जीरा है, इसे आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर से छिड़क दीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव लग। जीरे से आप ऐसे इसे डेकोरेट करके गार्निशिंग कर दो। आप इसी हरी धनिया भी बारीक काट के डाल सकते हो, मिंट लीव्स जो सूखी हुई हैं उसको ऐसे आप हाथ से क्रश करके उसे भी ऐसे छिड़क दो। ये गर्मियों में ठंडा मिक्स वेजिटेबल का रायता तैयार है, बच्चे भी बना के ट्राई कर सकते हैं, अभी समर वेकेशन है तो वो ट्राई कर सकते हैं। खाइए और औरों को भी खिलाइए। आपको पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।